पूरी जिंदगी भुगतना पड़ता है, पूरी जिंदगी रोते रहते हैं, पछताते रहते हैं, यार मैं 12 अगर मैथ से कर लिया होता तो क्लर्क में मैं भर्ती देख सकता और मेरा तो पढ़ाई भी सही था। जय हिंद एवरीवन। सबसे पहली बात, ये वीडियो उन भाइयों के लिए है ना जिन भाइयों को ये नहीं पता रहता है कि जीडी में कितना पास होना चाहिए, कितना परसेंटेज होना चाहिए और दौड़ कितना कराया जाता है, बीम कितना खिंचवाया जाता है और क्लर्क में कितना हाइट चाहिए, कितना दौड़ चाहिए, कितना पास होना चाहिए और किस सब्जेक्ट से पास होना चाहिए और ITBB, BSF, CISF इन सब में कितना दौड़ होता है। ये पूरा का पूरा डाउट मैं आप लोगों को क्लियर कर दूंगा, क्योंकि बहुत सारे भाई देखो, अगर मान लो क्लर्क आपका हाइट नहीं है और आप तैयारी कर रहे हो इंडियन आर्मी की, आपका दौड़ भी सही है और आप 12 मतलब मैथ से नहीं किए हो, बायोलॉजी से कर लिए हो या आर्ट साइंस से कर लिए हो, फिर आपको पता नहीं रहेगा, बाद में पता चलेगा यार मेरी तो हाइट कम है और मुझे क्लर्क में भर्ती देखना है और क्लर्क में मैथ से मांगा जाता है, वो भी 12 पास होना चाहिए, वो भी 60% होना चाहिए और प्रत्येक सब्जेक्ट में 50 नंबर होना चाहिए, तो फिर आप बाद में पछताने लगोगे। तो ऐसे बहुत सारे भाई पड़े हुए हैं जो पहले गलती करके और बाद में पछताते हैं, तो इसलिए भाई इस वीडियो के लास्ट बने रहना। जितने भी भाई तैयारी करते हो और अभी भर्ती आप नहीं देखे हो या देख भी लिए हो और आपके मन में कन्फ्यूजन रहता है, चाहे आप NCC भी करते हो, तो NCC कर रहे हो तो आपको GD में और ट्रेड माइन में छूट मिलेगा, तो मैं आप लोगों को सब कुछ बताऊंगा, GD में कितना एज लगता है, ट्रेड माइन में कितना एज लगता है और BSF की, ITBP की, CISF की सारी भर्तियां, मतलब इन सब में कितना दौड़ होता है, सब कुछ मैं आप लोगों को बता दूंगा, थोड़ा सा भी डाउट नहीं होगा। और ये सब जानना आप लोगों के लिए ज़रूरी है, क्योंकि अभी आप लोग तैयारी कर रहे हो, अभी देखो ये सब जानते रहोगे ना तो मतलब आप पहले से ही सोचोगे यार हाँ, आगे से ही मतलब अपना प्लानिंग कर लोगे कि हाँ हमको 12 मैथ से पढ़ना है, अगर मैं ANA का देख रहे हैं तो 12 हमको बायोलॉजी से पढ़ना है, अगर जानते रहोगे तभी करोगे, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा, ठीक है ना। तो अभी मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ भाई, और बहुत सारे भाई काफ़ी दिनों से कमेंट भी कर रहे थे। देखो भाई, 5 किलोमीटर का दौड़ BSF, CISF, CRPF, SSB, ITBP, आसाम राइफल, NIA और SSF, ये जितनी भी भर्तियां निकलती है ना, इसमें 5 किलोमीटर का दौड़ होता है और 24 मिनट का टाइमिंग मिलता है, और जो इसका वर्दी होता है ना इंडियन आर्मी के जैसा ही होता है, लेकिन ये अर्धसैनिक बल होता है। और देखो ये भर्ती पता है कब निकलती है, देखो अभी SSC GD का जब भर्ती निकला था तो इसमें ये सारा का सारा पोस्ट आ जाएगा, और कभी कभी तो पता है कभी BSF का भर्ती निकल जाएगा ऑफलाइन भर्ती जिसमें 5 किलोमीटर दौड़ रहेगा, कभी CISF का अकेले भर्ती निकल जाएगा, कभी CRPF का निकल जाएगा, कभी ITBP का निकल जाएगा, कभी आसाम राइफल का निकल जाएगा, तो एक एक करके भी ये सब भर्तियां निकलती रहती हैं और SSC GD के अंतर्गत ये सारी की सारी भर्तियां आती हैं। अब बात आ जाती है 1600 मीटर किस में दौड़ होता है, तो इसी के लिए मैं वीडियो बना रहा हूं। जितने भी भाई अपने ARO से हो या BRO से हो तैयारी करते हैं, तो चाहे आप GD से हो, ठीक है ना, जनरल ड्यूटी, या ANA नर्सिंग असिस्टेंट, या मतलब ट्रेड मैन से हो या क्लर्क से हो, कोई भी ट्रेड से होंगे, आपका 1600 मीटर का दौड़ होगा इंडियन आर्मी, जो कि सभी लोग तैयारी करते हैं ग्राउंड पर जाकर, और 1600 मीटर का दौड़ बहुत हार्ड होता है, ठीक है ना, कलेजा बाहर आ जाता है 1600 मीटर लगाते लगाते। तो इसमें हम बात करेंगे कि GD में जो होता है ना, GD और ट्रेडमैन का सबसे पहले बात करते हैं। तो देखो, अगर आप NCC C पास रहोगे और GD और ट्रेडमैन में भर्ती देखना चाहोगे, ऑनलाइन कराओगे, तो आपका पेपर माफ हो जाएगा, NCC C पास रहोगे तब, ठीक है ना। और देखो GD में जो एज लगता है आपका 17.5 से 21 साल तक होगा, और ट्रेडमैन में जो होता है ना तो 17.5 से 23 साल तक होता है। बहुत सारे भाइयों को नहीं पता होता है, जैसे मान लो GD का आप भर्ती देख रहे हो, ठीक, आपके पास NCC C है, सी पास हो, तो आप दौड़ निकाल दोगे तो हो जाओगे 17.5 से 21 साल के बीच में। अगर आपका ओवर एज हो रहा है, ज़्यादा एज हो जा रहा है, तो फिर आपका 17.5 से 23 साल ट्रेडमैन बचा है ना, ट्रेडमैन में अगर आप दौड़ निकालोगे और NCC C पास रहोगे तो फिर आपका हो जाएगा, आपका पेपर नहीं देना पड़ेगा। तो इसमें आप लोगों को पता चल गया, GD में 17.5 से 21 साल तक लगेगा और ट्रेडमैन में 17.5 से 23 साल तक लगेगा। और पता है GD में आपको 10 पास होना चाहिए और 45% होना चाहिए और प्रत्येक सब्जेक्ट में 33 नंबर होना चाहिए, अगर कम रहेगा तो फिर आप GD में नहीं देख पाओगे, ठीक है ना। और ट्रेडमैन में भी सेम ऐसा ही पोजीशन है, लेकिन ट्रेडमैन में 8 पास से भी भर्ती देखा जाता है, तो इसको आप लोग याद रखना। अब बात आ जाती है आपका जो जैसे होता है क्लर्क का, बहुत सारे भाई क्लर्क के बारे में पूछते हैं कि क्लर्क में अगर हम भर्ती देखेंगे तो कितना पास होना चाहिए, किस सब्जेक्ट से पास होना चाहिए और एज कितना होना चाहिए, तो आपका थोड़ा सा भी डाउट नहीं होगा, मैं आप लोगों को सब कुछ क्लियर कर दे रहा हूँ। देखो सबसे पहले तो क्लर्क में 17.5 से लेकर 23 साल के बीच में होना चाहिए, एज होना चाहिए 17.5 से 23। क्लर्क के लिए मैं बता रहा हूँ, देखो 12 पास होना चाहिए और वो भी साइंस से, ठीक है ना, मैथ से 12 पास होना चाहिए, और पता है प्रत्येक सब्जेक्ट जैसे 60% होना चाहिए,
अगर आप क्लर्क के लिए ऑनलाइन करा रहे हो तो 12 पास मैथ से 60% होना चाहिए और प्रत्येक सब्जेक्ट में आपको पता है 50 नंबर होना चाहिए अगर क्लर्क का कराओगे तो। तो ये सब क्लर्क का होता है और हाइट पता है 165 सेंटीमीटर होता है, तो क्लर्क में हाइट छोटा होता है जिसकी वजह से जिन भाइयों का हाइट कम रहता है वो लोग 12 मैथ से कर लेते हैं और मैथ से करने के बाद अपना जैसे ऑनलाइन करा देते हैं और एज भी उसमें 17.5 से 23 साल तक लगता है। तो इसको लेकर आप लोग कन्फ्यूजन में नहीं पढ़ना, ठीक है ना। अगर हाइट कम है क्लर्क में कराना चाहते हो तो आप लोग मैथ से पढ़ना, जिन भाइयों को अभी जैसे आगे पढ़ना है, आगे तैयारी करना है। अब बात आ जाता है एएनए का, तो एएनए जो होता है नर्सिंग असिस्टेंट होता है, इसमें भी 17.5 से 23 साल तक एज होना चाहिए और ये बायोलॉजी से होना चाहिए। अगर बायोलॉजी से रहोगे तभी नर्सिंग असिस्टेंट में ऑनलाइन करा लोगे। और दौड़ तो सभी लोगों का 1600 मीटर होगा, ठीक है ना, और जो मतलब 1600 मीटर का दौड़ होगा और टाइमिंग पता है जैसे अपने एआरओ के हिसाब से बीआरओ के हिसाब से मिलता है, कहीं पर 5:05 मिल जाता है, कहीं पर 5:07 मिल जाता है, कहीं 5:10 मिल जाता है, और जो भाई तैयारी किए रहते हैं सब वो 4:50 4:45 के अंदर ही अंदर चले जाते हैं सब। तो दौड़ तो मतलब अपने आरओ और बीआरओ के हिसाब से होता है। दौड़ 60 नंबर का होता है और बीम होता है 40 नंबर का। कोई भी ट्रेड देखो, चाहे ट्रेडमैन हो, चाहे क्लर्क हो, चाहे जीडी हो, चाहे एएनए हो, कोई भी ट्रेड रहेगा आपका 60 नंबर का दौड़ होता है, ठीक है ना, और 40 नंबर का होता है आपका बीम। तो अभी जैसे इसमें भी ग्रुप होता है, अगर फर्स्ट ग्रुप में जाओगे ना तो आपको 60 नंबर मिल जाएगा, लेकिन सेकंड ग्रुप में जाओगे दौड़ में तो आपको 48 नंबर मिलेगा, ठीक है ना। अब बात आ जाती है, देखो फर्स्ट ग्रुप में लड़के पकड़ते हैं सब मतलब 3-4 कभी 2 कभी 1 ऐसे करके, मतलब ग्रुप के हिसाब से पकड़ा जाता है टाइम के हिसाब से। और बीम आपको पता है, देखो बीम आप लोग जान लो, किसी भी ट्रेड में रहोगे आपको अगर 10 बीम मारोगे ना तो आपको 40 नंबर मिलेगा, ठीक है ना। अगर 9 बीम मारोगे तो आपको 33 नंबर मिलेगा। अगर 8 बीम मारोगे तो आपको 27 नंबर मिलेगा। अगर मतलब मान लो 7 बीम आप मारते हो तो आपको पता है 21 नंबर मिलेगा। अगर 6 बीम मारते हो ना तो आपको 16 नंबर मिलेगा भाई, और 6 से नीचे तो कोई ऐसा नहीं है 6 से नीचे मारेगा जो इंडियन आर्मी की तैयारी करेगा। तो ऐसे करके मतलब बीम होता है, और बाकी सब जो नॉर्मल चेस्ट होता है ना, 5 सेंटीमीटर सीना आपको फुलाना रहता है, जीडी से हो ट्रेडमैन से हो, मतलब सभी में 5 सेंटीमीटर आपको चेस्ट फुलाना रहता है। तो इसको आप लोग याद रखना। और देखो आप लोगों से मैं एक बात बता दे रहा हूँ, ये सब कोई बताता नहीं है, 170 सेंटीमीटर हाइट लगता है ना, लेकिन अगर आप बाहर फिट हो जाओगे ना, जैसे जीडी में और ट्रेडमैन में और एएनए में टेक्निकल में ये सब में 170 सेंटीमीटर लगता है ना क्लर्क को छोड़कर, तो बाहर अगर आप किसी तरह फिट हो जाओगे ना, अंदर जाओगे जीडी में रहोगे, इतना मुझे पता है 169 सेंटीमीटर रहोगे ना, 169.  कुछ रहोगे तो आप फिट हो जाओगे भाई, अगर बाहर फिट हो जाओगे तो। तो इसको लेकर आप लोग कन्फ्यूजन में नहीं पड़ना, जितने भी भाइयों का हाइट कम होगा मतलब 169 के आसपास होगा, ये मत सोचना कि यार 170 सेंटीमीटर लगता है तो फिर मुझे छोड़ देना चाहिए, दूसरा कुछ देखना चाहिए, नहीं यार, अंदर जाकर एक बार ट्राई करना, कोशिश करना, ठीक है ना। अब आप लोगों को छोटी छोटी गलतियां करके पूरी जिंदगी भुगतना पड़ता है, पूरी जिंदगी रोते रहते हैं, पछताते रहते हैं, यार मैं 12 अगर मैथ से कर लिया होता तो क्लर्क में मैं भर्ती देख सकता, और मेरा तो पढ़ाई भी सही था, मेरा तो दौड़ भी सही था, बस एक हाइट थोड़ा कम था, वो भी क्लर्क में हाइट कम लगता है और क्लर्क में बहुत रेस्पेक्ट भी मिलता है भाई, वो समझो एक ऑफिसर रैंक का होता है। तो इसलिए ये सब जानकारी रखना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। बहुत सारे भाई अभी हमारे खुद के दोस्त हैं जो बोलते हैं, यार देखो अभी मैं खुद आर्ट साइंस से हूँ, मैं मैथ से नहीं हूँ, क्योंकि मेरा पढ़ाई थोड़ा कमज़ोर था, मुझे पता था अगर मैं मैथ से हूँगा तो मैं फेल हो जाऊँगा, और मेरा हाइट भी थोड़ा बहुत कम है, और शुरू से मुझे कोई बताने वाला नहीं था, तो इसलिए अभी प्रेजेंट टाइम में मैं अपना जीडी का ही तैयारी करता हूँ। बहुत सारे भाई ऐसा बोलते हैं, नीलेश भाई तुम्हारा हाइट कम है तो क्यों नहीं क्लर्क में भर्ती देख लेते हो, तो भाई आप अपने ग्राउंड पर भी देख लेना, जिन भाइयों को मतलब पढ़ाई थोड़ा कमज़ोर होगा, जो अपना पूरा परिस्थिति जानते होंगे, वो मैथ से नहीं लिए होंगे, क्योंकि मैथ से लेकर क्या करेंगे, जब शुरू से हम नहीं पढ़े हैं, शुरू से कोई बताने वाला नहीं था, तो फिर भाई देखो बहुत सारे भाइयों के अंदर काबिलियत रहती है, कुछ भी कर देता है, लेकिन उन लोगों को कोई बताने वाला नहीं रहता है, और वो लोग काउंट करना भाई, जिनके पिताजी कोई आर्मी ऑफिसर होंगे या जिनके घर में कोई बड़ा भाई का सिलेक्शन हो गया होगा, वो सब कुछ अपने छोटे भाई को बताता रहेगा, और उसका छोटा भाई का भी सिलेक्शन हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि उसको सब कुछ पता रहता है, उसके बारे में सब कुछ नॉलेज रहता है, उसको बताने वाले लोग रहते हैं, तो इसलिए उन लोग का सिलेक्शन हो जाता है। तो इसलिए भाई ये सब जानना आप लोगों के लिए ज़रूरी है, तो पहले से आप लोग देख लेना आपको किस ट्रेड में जाना है, अपना हाइट देख लेना, अपना एजुकेशन देख लेना, सब कुछ अपने हिसाब से चलना, दुनिया के हिसाब से नहीं चलना, नहीं तो लोग बोलेंगे यार तू आर्ट साइंस से कर रहा है, हंसेंगे
कि ये तो लड़कियां करती हैं, तो उस पर आप लोगों को ध्यान नहीं देना है भाई। अपनी लाइफ है, अपनी तरीके से जियो। आपको खुद पता होगा कि मैं किस सब्जेक्ट से पढ़ूंगा तो पास हो जाऊंगा, किसके लायक हूँ। तो मिला जुला कर आप लोगों के बातों पर ध्यान नहीं देना कि मैं मैथ से नहीं पढ़ूंगा तो लोग मुझ पर हंसेंगे, बायोलॉजी से पढ़ूंगा तो लोग मुझ पर हंसेंगे। ऐसा वो हंसेंगे, साल भर हंसेंगे, दो साल हंसेंगे, तीन साल हंसेंगे, उसके बाद कोई पूछने नहीं आएगा, अपने अपने घर चले जाएंगे, ठीक है ना। और आप अपनी लाइफ अपनी तरीके से जीना है तो लोगों के बातों पर ध्यान देना छोड़ दो। आपको पता है कि हाँ हमको कलर के में जाना है तो मैथ से लेना और हार्डवर्क करना, ठीक है ना। अभी मेरा पढ़ाई तो पहले से ही थोड़ा मतलब कमजोर है, तो इसलिए कोई बताने वाला नहीं था, इसलिए ठीक है ना, इसलिए मैं आर्ट साइंस से अपना करता हूँ। चलो ठीक है भाई लोग, और मुझे एनसीसी भी लेना था तो मिला जुला कर मुझे अच्छा लगा, इसलिए मैं आर्ट साइंस से किया, ठीक है ना। आप लोग ये मत सोचना अगर मैं आर्ट साइंस से करूँगा तो लोग मुझ पर हंसेंगे, बायोलॉजी से करूँगा तो लोग मुझ पर हंसेंगे, तो ये सब नहीं सोचना। और ये भी नहीं कि हाँ मैथ से नहीं पास हो पाऊँगा फिर भी मैं मैथ से लूँगा, ऐसा नहीं सोचना, हार्ड वर्क करना, पास हो जाओगे भाई। अगर हाइट कम रहेगा तो दूसरा आपके पास दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है, आप मैथ से ही लेना क्लर्क में भर्ती देखने के लिए, ठीक है ना। चलो ठीक है भाई लोग, अपना तैयारी करते रहो। बहुत सारे भाइयों का काफ़ी दिनों से कमेंट आ रहा था, तो जय हिंद।